Hello students, this is Indu, your maths teacher. So we have started chapter 9 and we have completed our exercise 9.1. So today we are going to start exercise 9.2. For that I have already signed into my my class application, and from here, from my book, I am selecting my chapter 9. So in this chapter you learned about what is decimal, what are the parts of decimal, how we write a decimal number, and what we call the numbers before the decimal part, before the decimal point and after the decimal point. And we have understand how can we arrange a decimal point or locate a decimal point on a number line. Yeah, we have learned this table. We have represented decimal numbers on abacus. We have learned about how can we write decimal and fraction part of a given image. So now in this class we are going to learn how to read decimals, means reading of decimals. कि आपको अगर कोई भी decimal number given है, आप उसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे. ठीक है, अगर आपको कोई given number है और कोई आपसे पूछता है कि बेटा ये number क्या कहलाता है, तो आप उसको easily ये बता सको. तो जैसे कि आपको example given है, राइट 867.04 in words. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको क्या लर्न होना चाहिए. सबसे पहले आपको जो टेबल ऊपर दी हुई थी, वंस हंड्रेड थाउजेंड और पॉइंट के बाद वन टेंथ, वन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए. वो आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि डेसिमल से जो आपका डेसिमल गिवन है, ठीक है, जो आपका डेसिमल है उससे लेफ्ट साइड जो भी आपके नंबर्स होंगे वो होंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड सो ऑन. और पॉइंट के राइट हैंड साइड जो होंगे वो टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन. ठीक है, पॉइंट के बाद आपका वंस प्लेस नहीं होता है, पॉइंट के बाद आपका डायरेक्ट टेंथ प्लेस स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते लिख सकते हैं ऐसे 1/10, 1/100 एंड 1/1000. यहाँ पे 1 है आपका होल नंबर. होल नंबर का मतलब क्या है बेटा, कि आपका यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है और जो आपको गिवन है ये उस गिवन नंबर का उतना पार्ट है. ठीक है, जैसे कि 0.4 गिवन है, दैट मीन्स 0.4 किसी भी नंबर का हंड्रेड्थ पार्ट है. ठीक है, 4 जो है यहाँ पे ये 100 का फोर्थ पार्ट है. ठीक है, तो अब आप इसको रीड कैसे करेंगे. सबसे पहले आप देखिए आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. आपको क्या लिखना है, पहले आपको पढ़ना है ये कि ये आपका क्या गिवन है, आप इसको क्या पढ़ते हो. इस बॉक्स के अंदर जो नंबर्स आपको गिवन है, आप इसको एक साथ क्या पढ़ते हो. क्या आप इसको 867 पढ़ते हो या 867 पढ़ते हो. नहीं, आप इसको पढ़ते हो 867. तो अब वर्ड्स में अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसको लिखेंगे भी कैसे, 867. अब इसके बाद क्या आ गया आपका, ये डेसिमल पॉइंट. अब इसको भी हम लिख के देंगे पॉइंट. ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था कि डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं आपको, हम उनको डिजिट बाय डिजिट रीड करते हैं. ठीक है, तो यहां पे आपको क्या गिवन है, 040, यानी कि आप पॉइंट के बाद में भी इनको ऐसे ही रीड करोगे और लिखोगे. तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 04. ठीक है,
थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ नहीं है तो ऑलरेडी वो ज़ीरो है, तो उसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 876 एंड, अब पॉइंट को हम एंड रीड कर रहे हैं तो हम एंड लिख सकते हैं 400s। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो हंड्रेड्स के बॉक्स में है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए इसका। एग्जाम्पल 2 क्या गिवन है, 571.872 इन वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, पहले आप ऐसे ही बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इनको सॉल्व कर पाओ। क्या गिवन है, 571, पहले हम पॉइंट से पहले वाले जितने नंबर्स हैं सिर्फ उनको रीड करेंगे। क्या है ये 571, जो हम बोल रहे हैं वही हम लिखेंगे 571। उसके बाद पॉइंट आ गया तो हम लिख देंगे पॉइंट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं हम उनको डिजिट बाय डिजिट रीड करते हैं और ऐसे ही लिखते भी हैं। तो यहाँ पे टेंथ प्लेस पर क्या है आपका 8, हंड्रेड प्लेस पे 77 एंड थाउजेंड्स प्लेस पर 2। तो या तो आप इसको लिख सकते हो पॉइंट के बाद सीधा 872, बस इतना ही, या हम क्या लिख सकते हैं और के बाद 571, तो इतना ही, एंड 872 थाउजेंड्स। अब देखो यहाँ पे आपका हंड्रेड्स था, यहाँ पे आपका थाउजेंड था गया। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो थाउजेंड्स के बॉक्स में है और यहाँ पे देखो आप क्या लिख रहे हो, 872, यानी कि आप इन तीनों को, आप इन तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 872। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो कौन से कॉलम में है, कौन से बॉक्स में है, थाउजेंड्स के ब्लॉक में, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे थाउजेंड्स। यानी कि आप दो तरीके से किसी भी नंबर को लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा नंबर अच्छे से समझ आया है। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 9.2, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ बेटा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए और आप एक्सरसाइज और अच्छे से सॉल्व। मान लीजिए मैं आपको नंबर देती हूँ 47.32 और आपको इसको लिखना है वर्ड्स फॉर्म में। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, 47 हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले को हम क्या रीड कर रहे हैं 47, यानी कि हम इसको एज इट इज लिख देंगे 47। उसके बाद मेरा क्या है पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ पॉइंट। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, दो डिजिट्स विच आर 3 एंड 2, दैट मीन्स मैं यहाँ लिख देती हूँ 3, 2। ठीक है, एक तरीका तो है मेरा ये, और दूसरा क्या है कि मैं इसको लिख सकती हूँ 47 and 3200। क्यों मैंने इसको 3200 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 2 है ये मेरा 100th प्लेस पर है। इसी का एक और एग्जांपल ले लेती हूँ बेटा, मान लीजिए मैं आपको दे देती हूँ 59.39, ठीक है, 59.39। अब इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, पहले वाले तरीके से लिख लेते हैं 49.39
39। सिंपल सा, या हम क्या लिख सकते हैं इसको 49 and 39 एक सेकंड 100। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं यहाँ पे एक डिजिट और ऐड कर देती हूँ 2। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं एक डिजिट ऐड कर रही हूँ 2। तो यहाँ पे देखो 2 ऐड करने के बाद में फर्स्ट वाला जो मेरा मेथड है, फर्स्ट मेथड है, उसमें तो मुझे सिर्फ क्या करना है 39 के बाद 2 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड मेरा कंप्लीट। लेकिन सेकंड मेथड में क्या होगा कि मुझे इसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट मेरा क्या है, अगर मैं इसको डिजिट बाय डिजिट ना पढ़कर एक साथ पढ़ती हूँ तो मैं इसको क्या कहूँगी 392। तो अब मुझे यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी, एक सेकेंड बेटा मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे भी 49 लिखा हुआ है। अब मैंने थाउजेंड क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 2 है ये मेरा 1/1000 या 1000th प्लेस पर आता है। आप अपनी उस टेबल में चेक कीजिए। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे और आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। आपको दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो मैं आपको दो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ और दो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट क्या है आपका, इजी बोर्ड पे चलते हैं। क्या लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में, एक्सरसाइज 9.2 डेट एंड डे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन 1 एंड ए पार्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे ये। अब ए पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, 241.675। अब बेटा मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो इजी लगा है और कौन से मेथड से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको आने बेटा दोनों ही चाहिए। अगर आप दोनों लिखोगे मेथड्स तो आपके लिए और अच्छा होगा। कैसे लिखोगे, वर्ड्स में लिखना है तो पहले आप यहाँ पे डाल दीजिए 1। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, क्या है ये, क्या नंबर है, 241। डन इतना। उसके बाद क्या है आपका पॉइंट, तो आप यहां पे भी क्या लिखेंगे, पॉइंट
और पॉइंट के बाद आपकी डिजिट्स क्या क्या हैं? 6, 7, 5. यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो हम सेकंड मेथड कर रहे हैं उसकी तरफ। वो क्या है? इतना तो हमारा सेम ही रहेगा। क्या है ये? टू हंड्रेड फोर्टी वन, इतना तो सेम है। उसके बाद हम पॉइंट की जगह पे क्या लिखते हैं? एंड। और उसके बाद हम इस पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को एक साथ पढ़ते और लिखते हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक साथ 675। अब 5 कौन से प्लेस पर है? थाउजेंड प्लेस पर। तो अब हम 5 के बाद क्या लिख देंगे? थाउजेंड, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ए पार्ट हो गया है, अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है आपका? 421.05। बी पार्ट लिखेंगे यहां पे 421.05, यही है ना बेटा? यही है। इसके लिए भी अगेन हम क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे? 421। उसके बाद क्या है? पॉइंट, पॉइंट है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? पॉइंट। और पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या हैं? 0 and 5। दैट्स इट, हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है आपका? जो 421 है, यहां तक तो सेम। 421 सेम। पॉइंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एंड। और 05 को क्या रीड करेंगे? सिर्फ 5 ही रीड कर सकते हैं। और 5 कौन से प्लेस पर है? हंड्रेड प्लेस पर। तो हम यहां पे लिख देंगे 5। ठीक है। इसी तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज के 9.2 के सी क्वेश्चन 1 के सी एंड डी पार्ट सॉल्व करने हैं। अब आपको क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, राइट इन डेसिमल्स। डेसिमल्स में आपको इनको राइट करना है। अब अगर आपको वर्ड से नंबर्स बनाने आते हैं, ठीक है, वर्ड से न्यूमेरल्स बनाने आते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। क्या दिया हुआ है आपको? 2006। आपको क्या लिखना है? 2006, यानी कि 2 होगा आपके थाउजेंड्स प्लेस पर और वंस प्लेस पर क्या होगा? 6, यानी कि बीच में जो टेंस और हंड्रेड्स प्लेस है उस पे क्या होगा? 0। तो आपको 2006 कैसे लिखना है? ऐसे। उसके बाद क्या गिवन है? एंड। एंड का मतलब क्या है? पॉइंट। एंड 20 हंड्रेड्स,
20 यानी कि 100 दो प्लेसेस पे आएगा, दैट मीन्स 20 आपका एज इट इज। तो आपका डेसिमल में ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। बी पार्ट देखिए, 720 आप लिख दीजिए पहले 720, और फिर क्या दिया हुआ है, पॉइंट लगा दीजिए, फिर क्या दिया हुआ है, 40, आप यहाँ पे लिख दीजिए 40, दैट्स इट। हो गया आपके क्वेश्चन 2 के दो पार्ट सॉल्व। अब सी और डी पार्ट आप खुद कीजिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए सी पार्ट और मैं कर देती हूँ आपके लिए, थोड़ा सा ये लेंथी है, शायद आपको मुश्किल लगे, पर एक बार आप खुद से सॉल्व करना ज़रूर ट्राई, ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई ज़रूर करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें, 9876, क्या लिखना है, 9876, एंड की जगह पे क्या पुट करना है, पॉइंट, 5 tenths, 5 tenths का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद आपका सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद का जो प्लेस होता है वो सिर्फ टेंथ्स का होता है, वंस का कोई प्लेस नहीं होता है। तो डी पार्ट आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन थ्री आपको गिवन है, मैच द फॉलोइंग। आपको एक तरफ वर्ड्स में दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स और एक तरफ न्यूमेरल्स में दिए हुए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, वर्ड फॉर्म को समझना है और उसके न्यूमेरल से उसको मैच कर देना है। तो ए पार्ट देखिए क्या है, 408 and 110। आप इसके सामने पेंसिल से पहले सॉल्व भी कर लीजिए, क्या है 408, तो यहाँ पे हमें लिख लेते हैं 408 and 110, यानी कि 10th प्लेस पर क्या है मेरा, 1। अब ये कहाँ पर है, यहाँ पर, आप इसको यहाँ पे मैच कर दीजिए। दूसरा क्या है, 6000.09, यानी कि 6000 आपका कंप्लीट एंड 0.09, ये कहाँ दिखाई दे रहा है, 4th पार्ट पर, तो इसको मैच कर दीजिए। सी पार्ट क्या कहता है, 1005, तो पहले हम लिख लेते हैं 1005.366, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पार्ट पे, तो मैच कर लीजिए। अब दो पार्ट रह गए, एक ही पार्ट रह गया, वो तो एज इट इज ही मैच हो जाएगा, लेकिन बेटा आप मेरा मैच इट देखने से पहले खुद भी मैच इट करना, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर एक्सरसाइज 9.2। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 9.3। थैंक यू सो मच क्लास, एंड कीप